ये मस्जिद है जामिया अमीरा बहादुर अल सही, खूबसूरत मस्जिद है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। ये देखिएगा माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है, ये देखिए मस्जिद खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। वेलकम बैक मुशर्रफ अली खान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हो गए। और दोस्तों आज मैं हूँ अजीज़िया अल नसीम जगह, ये अल नसीम जगह है जहाँ मैं मौजूद हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो इंडियन हज मिशन की फ़र्स्ट टाइम बिल्डिंगें हैं, और 501 बिल्डिंग से लेकर 537 तक बिल्डिंग हैं। तो आज मैं बहुत ज़रूरी एक बिल्डिंग में आया हूँ दोस्तों, जहाँ पर एक हाजी साहब का इंतकाल हो गया था, वो मुजफ्फरनगर के हैं। चलिए उनके कमरे में चलते हैं और दिखाते हैं उनकी बिल्डिंग का क्या मजरा है। ये देखिएगा ये अमीरा मस्जिद है अल नसीम मस्जिद जगह में, एक इदारा है इधर साइड में। ये देखिएगा खूबसूरत मस्जिद है, और ये देखिएगा मक्का पार्क क्लिनिक है ये सामने के लिए। और ये जो देख रहे हैं ये बिल्ड बसेस खड़ी हैं 11 ब्रांच की, जो 500 बिल्डिंग के साथ में है। देखिए 500 बिल्डिंग के साथ में ये बसेस खड़ी हैं इंडियन हज मिशन की, हरी गाड़ी हज कमेटी की इंडियन हाजियों की। और ये देखिए इंडियन हाजी आ रहा है माशाल्लाह, ये देखिएगा ये सारे इंडियन हाजी आ रहा है सामने मेरे, जो आप देख रहे हैं। हैं ये देखिए 503 बिल्डिंग है, और ये देखिए अजीज़िया बस नंबर 11 है। देखिए कोई भी नहीं है यहाँ पर, आप देख रहे हैं ये बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं। ये सारा अजीज़िया जुनूबिया का रास्ता चल रहा है, ये अजीज़िया जुनूबिया का रास्ता चल रहा है। हम बस के अंदर बैठे हैं, मक्का फ्री बस सर्विस के अंदर। ये हाजियों का सामान 24 घंटे पहले जो है एयरपोर्ट पर चला जाता है, देखिए 24 घंटे पहले सामान एयरपोर्ट पर चला जाता है। ये देखिए सामान आप देखिए, 528 बिल्डिंग है, इसकी लोकेशन देख लीजिएगा 528 की। और इसी के साथ में ये पार्क भी है छोटा सा। ये देखिए 533 बिल्डिंग है, ये देखिए 533 है, इसकी लोकेशन देख लीजिएगा पूरी। ये सामने की लोकेशन है, वो सामने 537 है। ये पूरा एरिया है 533 बिल्डिंग का माशाल्लाह, ये देख रहे हैं आप डिस्पेंसर वगैरह लगा हुआ है पूरा माशाल्लाह। काफ़ी बड़ा रिसेप्शन है हाजियों का, ये देख रहे हैं काफ़ी बड़ा माशाल्लाह। ये 533 बिल्डिंग का ये बाहर का रास्ता है, और ये रिसेप्शन देख लीजिए, सब हाजी वगैरह बैठे हुए हैं, वाईफाई लगा हुआ है, ये देखिएगा। और देखिए ये है 533, और इंडिया पिक इंफॉर्मेशन के ये डेस्क नंबर है, ये वकाला है इसके साथ में। सामने जो है 537 बिल्डिंग है। ये जो मैं यहाँ पर अजीज़िया अल नसीम जगह पर हूँ, आप यकीन जानिएगा ये इंडिया हज मिशन ने पहली बार इस जगह पर नई जगह पर लिया अल नसीम पर, जहाँ पर बिल्डिंग 501 से लेकर 537 तक बिल्डिंग है, यानी 37 बिल्डिंगें हैं, और बहुत बहुत दूर बिल्डिंगें हैं। नए आदमी की बस की बात नहीं है दोस्तों यहाँ आ सके। और ये देखिए मेरे सामने 537 बिल्डिंग है, ये देखिएगा ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये 537 है, और ये सामने के लिए मेन रोड जा रहा है ये ताहिब वाला। दोस्तों इस जगह में बहुत बहुत दूर बिल्डिंगें दी हुई हैं, आप यकीन करिएगा। ये देखिए 531 का बिल्डिंग है, और ये बस स्टॉप बनाया है 11B अजीज़िया बस स्टैंड का, ये जो आप देख रहे हैं 11B। और ये बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं जो महाबस जिनके लिए जाएगी। और ये जगह जो है दोस्तों ये अल नसीम अल अजीज़िया जगह है जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, देख लीजिएगा। ये स्टाफ बैठा हुआ है, ये पूरी बिल्डिंग है, और ये सामने जो है ये बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं जो आपको महाबस जिन वगैरह हाजियों को लेके जाते हैं। ये देखिए चलते हैं हम आगे की तरफ 530 में। ये अब हम चलते हैं 530 बिल्डिंग नंबर में, और ये बहुत अलग अलग हैं काफ़ी है, लेकिन हाजी बाकी में इधर कुछ भी नहीं है, इधर बकाले वगैरह भी नहीं है, आप यकीन जानिएगा दोस्तों। ये देखिए बच्चों का पार्क वगैरह है, लेकिन हमें बड़ा घूम के आना पड़ा है। और ये सामने जो देख रहे हैं आप ये 533 बिल्डिंग है, ये जो बस खड़ी हुई है,
ये 529 है, 529 के सामने जो है 530 बिल्डिंग है। ये देखिए 529 529 बिल्डिंग है, ये इसकी लोकेशन है। ये बस खड़ी हुई है और ये देखिए ये 530 बिल्डिंग है और ये इसकी लोकेशन है। ये अंदर का रास्ता है, ये देख लीजिएगा। चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। रूम है 507 फॉर बिल्डिंग नंबर 530। ये देख लीजिए दोस्तों, ये बाहर का नज़ारा है। ये सामने किचन विचन वगैरह है। 560 है, इसके अंदर देखते हैं कौन कौन है। 530 का जो है रिसेप्शन है। ये पानी की बोतल वगैरह रखी हुई है। देखिए बाहर जैसे ही निकलोगे तो आपको गाड़ी बिल्कुल तैयार मिलेगी, देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली 530 बिल्डिंग में से मैं गया था। सिर्फ वहाँ पर दो महिलाएं, दो लेडीज़ मिली, जेंट्स नहीं थे। वो नमाज़ के लिए गए हुए थे, हरम के लिए। लेकिन जो इंतकाल हुआ है मोहम्मद तस्लीम साहब का, जो मुजफ़्फ़रपुर के थे, वो रमी की टाइम हुआ है, जिस दिन शैतान को कंकड़ी मारी जाती है। तो इस तरीके से हमारी उस लेडीज़ों ने बताया 530 में। मगर हम लेडीज़ की जो है वीडियो नहीं बना सकते, हमको अलाउ नहीं है। लेकिन मैंने बिल्डिंग को आपको दिखाया, मगर बदकिस्मत ये थी कि वहाँ जेंट्स कोई मौजूद नहीं था, वो हरम के लिए नमाज के लिए गए थे। दो लेडीज़ें थीं, उनसे मेरी बातचीत हुई, तब मुझे पता लगा कि जो मोहम्मद तस्लीम का जो इंतकाल हुआ है वो रमी की टैम जमरात पे हुआ है। और उन लोगों को भी जब रूम पर आ गए हैं तब उनको पता लगाएगा। चलिए अब आगे का हम वाली व्यूज दिखाते हैं, बैठकर बस से निकलते हैं। और सामने ही 531 में जो ये देख रहे हैं आप, ये बस स्टॉप बनाया हुआ है, मगर अभी बस नहीं है, हमको बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ से बैठकर फिर हम निकलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। ये हाजी जी हैं, इनसे मुलाकात हुई हमारी 531 में माशाल्लाह। और ये हमारी वीडियो भी देखते हैं और बहुत खुशी हुई, और अल्लाह ताला इनका हज कबूल करे। उस दिन का भी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हकीकत है, और गर्मी तो आज भी बहुत ज़्यादा है। तो हाजी जी खैरियत से हो गया आपका? चलो ठीक है, मैं दुआ में याद रखूँ इंशाल्लाह। बस में हाजी भी बैठ रहे हैं और देखिए हम भी बैठ रहे हैं। अब जा रहे हैं हम आगे की तरफ। देखिए बहुत तबीयत ख़राब सी है, चेहरा सुरख हो रहा है दोस्तों, गर्मी में हालत ख़राब हो गई। हाजी आ रहे हैं, दो घंटे बाद सर्विस है भाई साहब, समझ लीजिएगा। हाजी बेहाल है, समझ लीजिएगा, गाड़ी मिलने को तैयार नहीं है यहाँ से अजीज़िया नसीम की जगह से। हम निकल चुके हैं अजीज़िया नसीम जगह से। ये देखिए हाजी उतर रहे हैं। कम से कम दो घंटे में ये अजीज़िया नसीम से गाड़ी आएगी, देखिएगा। अब यहाँ से ये दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे महावजन से, फिर जाएंगे ये लोग हरम के लिए दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, बस नंबर ये है 11B189C। इसके आगे देख रहे आप, ये सीधे जाएंगे हाजी आपके लिए आगे के लिए, फिर गाड़ी पकड़ेंगे यहाँ से दूसरी, फिर ये जाएंगे सफ़ा मरवा के लिए दोस्तों। समझ लो ये जो जगह, जो नई ब्रांच बनाई है, आप यकीन जानो ये सही लोकेशन पर नहीं है। और दूसरी बात, सर्विस वहाँ पर सही नहीं मिली, ये सच्चाई में ये अपने बता रहा हूँ आप लोगों को। कितने अब हाजी यहाँ से पैदल जाएगा, ये देखिए दोस्तों। देखिए हाजी रोड क्रॉस कर रहा आएगा दूसरी गाड़ी पकड़ने के लिए, जो सफा मरवा पे जाएगी, देखिएगा आप।
तो दोस्तों एनडी राजनीतिक की बसें शुरू हो गई हैं, लेकिन आज मैं गया था जिस नसीम कई बिल्डिंगों में, लेकिन वहाँ आज से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। बाकी बसें से सब चल रही हैं। अब आप तवाफ उमरा वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए हाजी हैं सब, इंडियन सब अजीजिया के लिए जा रहे हैं। अजीजिया के लिए देखिए सब हाजी वगैरह आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये देखिए हाजी ये बसों से उतर के अब अपनी बिल्डिंगों में जाएंगे। ये देखिए सब आ रहे हैं हरम की तरफ, सब ये अपनी बिल्डिंगों पर जाएंगे हाजी। ये देखिए दोस्त, ये देखिए हाजी सब आ रहे हैं, सारे इंडियन हाजी हैं। ये देखिए ये सब हरम की तरफ से आ रहे हैं दोस्तों। ये खूबसूरत पार्क है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन का घंटा होगा उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों लाइक ज़रूर करिए, और लाइक करने से मुझको हौसला मिलता है, ताकत मिलती है। और कमेंट करके ज़्यादा ज़रूर कीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी कि मेरी तबीयत जो ख़राब थी, और मैं काफ़ी दूर भी गया, धूप बहुत ज़्यादा थी, मगर मजबूरी थी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, थैंक यू। ये देखिए टनल है, सुरंग जिसको कहते हैं, ये माशाल्लाह बहुत बड़ी टनल है दोस्तों, बहुत बड़ी सुरंग है, ये सीधे हरम पे निकलेगी ये सुरंग। हाजी जा रहे हैं अब हरम के लिए, हम आ चुके हैं हरम दोस्तों। अब चलकर मैं दिखाता हूँ आपके लिए हरम का नज़ारा, खूबसूरत मंज़र। अजीजिया से लौटने के बाद मैं हरम पर आया हूँ, देख लिए क्या खूबसूरत मंज़र है, माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा। ये देखिएगा, भीड़ देख लीजिएगा, और ये देखिए साइड का है, ये देखिए कितना रश है। और ये देखिए इंडियन हाजियों की आज जो है बसें वगैरह खुल गई हैं, ये इंडियन हाजियों का आना जाना लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं मेरे सामने। ये देखिएगा कितना रश है माशाल्लाह। और ये देखिए हरम के पास ये बुजू करने की जगह है, ये ड्रिंकिंग वाटर है पीना पानी का। और ये देख लीजिए सफ़र टावर है, इसमें फूड कोर्ट एरिया है, खां और मॉल भी है, आप साफ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये देख लीजिए इंडियन हाजी आ जा रहे हैं, बसेस इनकी खुल गई हैं। ये देखिए इंडियन हाजी रास्ता है कुरई पार्किंग से, और ये सीधा अब्दुल्ला जी गेट की तरफ जाना जाना लगा है।